जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मार्च महीने का करंट अफेयर जो कि प्रतियोगिता दर्पण का है, और लास्ट वीडियो जनवरी और फरवरी 2022 का प्रतियोगिता दर्पण का अपलोड कर दिया गया है। ये स्मरणीय तथ्य है, ठीक है। और इससे जो क्वेश्चन जो है कि लगातार सभी वन डे एग्जामिनेशन कंपटीशन में जो है कि वो आते ही रहता है, तो ये आपके जो आगामी एग्ज़ाम बीएसएससी सीजीएल और रेलवे बीपीएससी उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो जनवरी फरवरी का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, और आज हम लोग पुनः जो है कि दो मंथ का, मार्च और अप्रैल मंथ का, दोनों का अपलोड कर देंगे। तो इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2020 को किस ज्योति में कर दिया गया है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति। तो एक्चुअली देखिए, यहाँ पे क्या है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरगति को प्राप्त शहीदों की स्मृति में राजधानी नई दिल्ली के इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति का एक समारोह में नवनिर्मित नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलय कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नेशनल वॉर मेमोरियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी ONGC की प्रथम महिला चेयर पर्सन जनवरी 2022 में नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका सही आंसर है अलका मित्तल, अलका मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC की जनवरी 2022 में घोषित 2021 की पुरुष टेस्ट टीम में भारत के किन खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर होगा रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को घोषित ICCI महिला एक दिवसीय टीम ऑफ द ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया है? तो वो था फीमेल, मेल का, और ये फीमेल का महिला में, तो आंसर होगा मिथाली राज एवं झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2022 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? 16 जनवरी 2022, इसका आंसर होगा नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है? 16 जनवरी 2022 को, ठीक है, 16 जनवरी 2022 की, ध्यान रखिएगा। जनवरी 24 जनवरी 2022 को घोषित ICC अवार्ड्स में भारत के किस खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का सम्मान प्रदान किया गया है? जी हाँ, इसका सही आंसर है स्मृति मांदना। तो इसको जो है कि अवार्ड कौन से मिला है? रासेल हेडेड फ्लिंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बीजिंग स्थित किस संस्था के उपाध्यक्ष जनवरी 2022 में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा AIIB, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। भारतीय रेलवे बोर्ड का नया चेयरपर्सन 1 जनवरी 2022 से कौन बना है? तो विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाने की घोषणा 9 जनवरी 2022 को की थी? तो इसका सही आंसर है वीर बाल दिवस, ठीक है। देखिए इसका क्या है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत को याद करने एवं श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस 26
दिसंबर को ध्यान दीजिएगा, 26 दिसंबर 26 नवंबर हो गया संविधान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को किया गया था, कहाँ किया गया, हैदराबाद में। भारतीय सेना के किस विध्वंसक युद्धपोत में 18 जनवरी 2022 को विस्फोट के कारण 3 कर्मचारी की मृत्यु हो गई। आंसर होगा आईएनएस रणवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में बेतवा नदी पर बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 घोषित किया गया है। सुकवा डुकवा बांध। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के किस नेता की 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा हेलोग्राम का लोकार्पण नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी पराक्रम दिवस को किया। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित किस विमान वाहक युद्धपोत को 9 जनवरी 2022 में से मुख्य परीक्षण प्रारंभ हुए हैं। आंसर होगा आईएनएस विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र में वार करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण 22 जनवरी 2022 में किस युद्धपोत से किया गया है। आंसर होगा आईएनएस विशाखापत्तनम। तो ये जो था नेशनल लेवल पे था, अब इंटरनेशनल लेवल का न्यूज इसी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों से में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा वर्ग में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जनवरी 2022 में प्रदान किया गया। आंसर होगा द पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष 18 जनवरी 2022 को किसे नियुक्त किया गया है। आंसर होगा रोबर्टा मेटसोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम के प्रसिद्ध किस बौद्ध भिक्षु का 95 वर्ष की आयु में 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया है। आंसर होगा फादर ऑफ माइंडफुलनेस। ओशिनिया के किस राष्ट्र के समीप समुद्र में एक द्वीप पर लगभग 500 टन मेगावाट से अधिक शक्ति से ज्वालामुखी जनवरी में फटा। आंसर होगा टोंगा। कहाँ पर है, अर्सेनिया। सैयद मोदी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है। आंसर होगा पीवी सिंधु ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के 24 जनवरी 2022 को घोषित पुरस्कार में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने प्राप्त किया। आंसर होगा शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान का है। वोडाफोन एसेस सीरीज 21-22 में कौन विजेता रहा। आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 24वें शीतकालिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 4-20 फरवरी 2022 में कहाँ हो रहा है। आंसर होगा बीजिंग में। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा देख लीजिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, बीजिंग में आयोजित हो रहे ओलंपिक खेलों का मोटो है टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर। विंग डवेन। इसका मास्क एवं विंटर ड्रीम एल्बम है। निकारंगुआ में किस व्यक्ति ने लगातार चौथी बार राष्ट्रपति पद 10 जनवरी 2022 को संभाला। आंसर होगा डेनियल ओर्टेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया ने जनवरी 2022 में राजधानी जकार्ता के स्थान पर परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, नई राजधानी का नाम क्या रखा है। तो आंसर होगा नुसंतारा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहां प्रस्तावित है। आंसर होगा न्यूजीलैंड। फीफा अवार्ड्स 2022 का वितरण 17 जनवरी 2022 को ज्यूरिक में हुआ। सर्वश्रेष्ठ पुरुष व महिला पुरस्कार किसे मिला। तो पुरुष में मिला है रॉबर्ट लेवांडोस्की को और फीमेल में मिला है एलेक्सिया पुटेलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्बिया के किस
नंबर का टेनिस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने पहुंचे पुरुष खिलाड़ी को खेलने से पहले ही जनवरी 2022 में वीजा रद्द कर दिया गया है। आंसर होगा नोवाक जोकोविच। कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उस पर बैलिस्टिक मिसाइल के प्रशिक्षण पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद जनवरी 2022 में प्रशिक्षण किए जा रहे हैं? आंसर होगा सुपर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का सीमावर्ती किस देश के साथ आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है? जी हाँ, ये प्रो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूक्रेन। तो ये था दोस्तों जनवरी मार्च का करंट अफेयर। अब जो है कि इसी वीडियो में हम लोग नेक्स्ट अप्रैल मंथ का करंट अफेयर एड कर देते हैं। तो इसमें दोस्तों ये अप्रैल मंथ का अप्रैल 2022 का करंट अफेयर है, और ध्यान दीजिएगा इसका जो सार संग्रह है 2021 का एक सेपरेट वीडियो में आएगा, 2022 का सार संग्रह एक सेपरेट वीडियो में आएगा। तो वो सब वीडियो देखना ना भूले, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होता है वो सर। तो चलिए देखते हैं इसमें अप्रैल मंथ का क्या क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर को आरक्षण प्रदान किया है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। 12वीं शताब्दी के वैष्णव संप्रदाय के संत रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण 5 फरवरी 2022 को किया गया, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के फाइनल मैच में किस टीम ने विजय प्राप्त कर पहली बार यह ट्रॉफी जीती? आंसर होगा दबंग दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा 4 फरवरी 2022 को कौन सा भू सर्वेक्षण उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? ईओएस 04। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 देशों का शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2023 में कहां प्रस्तावित है? जी हां, इसका आंसर होगा भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मई जून 2023 में मीटिंग कहां करने का निर्णय लिया गया है? आंसर है मुंबई भारत में। भारत की किस वुशु महिला खिलाड़ी ने फरवरी 2022 में मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? आंसर होगा सादिया तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा युद्धरत यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण यूक्रेन से भारतीय विशेषकर विद्यार्थियों को वहां से वायुयान द्वारा भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? जी हां, इसका सही आंसर है ऑपरेशन गंगा। भारत के किस 16 वर्षीय ग्रांड मास्टर ने 5 के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्नर्स को एक मैच में हरा कर सनसनी उत्पन्न की है? आंसर होगा रमेश बाबू प्रज्ञानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस बड़े उद्योगपति को आसाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान फरवरी 2022 में प्रदान किया गया है? आंसर होगा रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व ओमान की वायु सेनाओं का संयुक्ताभ्यास फरवरी 2022 में किस नाम से संपन्न हुआ? आंसर होगा ईस्टर्न ब्रिज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हॉकी फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप का 2023 में आयोजन कहां प्रस्तावित है? आंसर है भारत में। भारतीय क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 1000वां मैच फरवरी 2022 में कहां खेला? आंसर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से एकमात्र खिलाड़ी ने भाग लिया, आरिफ मोहम्मद खान ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन स्थित इकोनॉमिक्स ग्रुप की इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा फरवरी 2022 में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 सूची में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर होगा 46वां। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय से है, 4 से 20 फरवरी 2022 को बीजिंग में आयोजित विंटर ओलंपिक्स में किस राष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीतकर पदक तालिका में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया? आंसर होगा नॉर्वे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जनवरी से 6 फरवरी 2022 में आयोजित 33वां अफ्रीका कप ऑफ नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन सा राष्ट्र रहा? आंसर होगा सेनेगल। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 24 फरवरी 2022 को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? आंसर होगा रोहित शर्मा। फरवरी 2022 में ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट कप किस राष्ट्र की टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीता? आंसर है भारत। ब्रिटेन एवं पश्चिमी यूरोप में फरवरी 2022 में किन 3 तूफान ने तबाही मचाई है? आंसर होगा ड्यूडले, यूनिस, फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी अफ्रीकी देश मेडागास्कर में किस ट्रॉपिकल चक्रवात से अत्यधिक जनमाल का नुकसान फरवरी 2022 में किया? आंसर होगा बादशीराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तकनीक सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 कहां आयोजित हुआ? आंसर होगा बार्सिलोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने यूक्रेन को किन 2 सीमावर्ती क्षेत्रों को 21 फरवरी 2022 को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की है? आंसर होगा डोनेत्स्क व लुहानस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 आयोजन कहां हो रहा है? आंसर होगा न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां प्रस्तावित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। रूस की सेना के आक्रमण का बहादुरी के साथ मुकाबला करने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है जो सर्वाधिक चर्चा में है? आंसर होगा वोलोदिमिर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 से 11 फरवरी 2022 को समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्रांस के ब्रेस्ट में कौन सा सम्मेलन संपन्न हुआ? वन ओशियन समिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में फरवरी 2022 में किसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? आंसर होगा फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन स्थित इकोनॉमिक्स ग्रुप की इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2022 में प्रकाशित डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में किस राष्ट्र को तालिका में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? आंसर होगा नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस द्वारा यूक्रेन पर फरवरी 2022 में किए गए आक्रमण के विरोध में अमेरिका और उसके साथी राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित लगाने की प्रक्रिया में रूस को विभिन्न देशों की बैंकों द्वारा परस्पर ऑनलाइन धन लेन देन की किस सोसाइटी को पृथक करने की घोषणा की है? आंसर है इसका स्विफ्ट। तो दोस्तों, ये मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर है इसमें, और मई जून का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो है कि सार संग्रह जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर का सीरीज अपलोड किया जाएगा। तो इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। धन्यवाद।